In the past 60 years of space exploration, we have launched several satellites to the space. अब पिछले 60 सालों में हमने स्पेस को एक्सप्लोर करा और हमने बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च भी करा स्पेस में. Some of them have transmitted the amazing images of our Earth and in an all the photos the Earth is spherical. उसमें से जितनी भी फोटोज हमें मिली हैं उससे ये पता चला है कि जो हमारा अर्थ है वो स्फेरिकल है, वो गोल है. अब हम पढ़ते हैं अ ग्लोब. द अर्थ इज वेरी बिग. अब जो अर्थ है बहुत बड़ा है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी द एंटायर अर्थ विदाउट गोइंग इन टू द स्पेस. तो अब ये बहुत मुश्किल है कि हम अर्थ को बिना स्पेस में जाए पूरा देख पाएं. देयर फोर वी हैव टू मेक अ मॉडल टू स्टडी अबाउट इट. तो अब हमें उसे पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ बनानी पड़ी, एक मॉडल बनाना पड़ा ताकि हम उसे अच्छे से पढ़ सके. दिस मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. और इस मॉडल अर्थ के मॉडल को हम ग्लोब बोलते हैं. इट गिव्स अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ हाउ द वाटर बॉडीज सीज एंड ओशंस एंड द लैंड मासेस कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ आर लेड आउट. अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो अर्थ है उसके अंदर वाटर बॉडीज कैसी हैं या कैसी दिखती हैं, रियलिस्टिक व्यू, ठीक है. और अर्थ के ऊपर जो लैंड है, लैंड मासेज हैं, उनको हम अच्छे से देख पाएं. वी कैन ऑल्सो सी द करेक्ट शेप साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओशंस ऑन अ ग्लोब. अब उसके अलावा हम ग्लोब के ऊपर करेक्ट शेप, करेक्ट साइज और लोकेशन देख सकते हैं कॉन्टिनेंट्स की और ओशंस की ग्लोब के ऊपर. अ ग्लोब कैन नॉट बी ऑलवेज यूज टू स्टडी द अर्थ. अब ग्लोब को हम हर बार पढ़ने के लिए यूज नहीं कर सकते. क्यों? दिस इज बिकॉज अ लार्ज ग्लोब इज बल्की एंड कैन नॉट बी कैरिड इजिली बाय फोल्डिंग और रोलिंग. अब जो ग्लोब है वो इतना बड़ा सर्कल सा होता है, उसको हम हर जगह पर नहीं लेके जा सकते, ना हम उसे फोल्ड कर सकते, ना हम गोल गोल बॉल की तरह उसे घुमा सकते. ग्लोब्स आर नॉट हेल्पफुल इन रिप्रेजेंटिंग स्मॉल एरियाज एज वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ. अब ग्लोब इसलिए भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो छोटे छोटे एरियाज को उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकता. उसके आगे अब आता है मैप. वी हैव सीन दैट अ ग्लोब इज अ वेरी यूजफुल थिंग बट इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस. अब उन्होंने बोला है ग्लोब बहुत यूजफुल है पर उसकी कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं. वी कैन यूज अ ग्लोब व्हेन वी नीड टू हैव एन ओवरऑल व्यू ऑफ द होल अर्थ. हम ग्लोब को तब यूज कर सकते हैं जब हमें ओवरऑल व्यू चाहिए होता है अर्थ, बट व्हेन वी नीड टू स्टडी डिटेल्स अबाउट अ स्मॉल प्लेस देन वी नीड टू यूज अ मैप. अब हमें जब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है तो हम उस टाइम मैप का यूज करते हैं. अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन यूजुअली ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑफ द होल पार्ट और अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस. अब मैप क्या है? मैप की डेफिनेशन है कि वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एक फ्लैट सरफेस को, या तो एज अ होल या फिर एक पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस. जैसे आपने कभी इंडिया का मैप देखा है तो वो सिर्फ इंडिया की चीज़ें दिखाएगा, तो वो एक पार्ट को दिखाता है, ठीक है. और ग्लोब जो है वो पूरे वर्ल्ड को दिखाता है. तो मैप हमारी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे सर्फेसेस को देखने के लिए काम आता है. गेराडस मर्केटर अ फ्लेमिश मैप मेकर वॉज द फर्स्ट टू पब्लिश अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. अब जो ये था गेराडस मर्केटर, इसने सबसे पहला मैप बनाया था और पब्लिश करी थी कलेक्शन ऑफ मैप को एक बुक की फॉर्म में. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. और एक बुक जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स हैं उनको हम एटलस बोलते हैं. कार्टोग्राफी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स. अब जो कार्टोग्राफी है वो हमारी आर्ट होती है मैप बनाने की. मैप्स आर ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप को हम फ्लैट सरफेस पे भी बना सकते हैं, मतलब बनता है. दे शो ओशन सीज कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज एंड सिटीज एंड इवन अ नेबरहुड. अब वो हमें क्या क्या शो करता है? ओशन, सी, कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटीज एंड इवन अ नेबरहुड.